सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के धनबाद आगमन को लेकर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संत निरंकारी मिशन के गुरुजी एस मित्तल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। धनबाद की धरती पर 19 फरवरी को संध्या 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक सतगुरु माता जी सुदीक्षा महाराज समागम में भाग लेंगी और प्रवचन देंगी, जिसमें धनबाद के साथ साथ पश्चिम बंगाल बिहार से 50,000 से ज़्यादा भक्तों का जुटान होगा। माता जी के आगमन को लेकर बरवड्डा निरंकारी मंडल के सेवादारों द्वारा लगातार साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। निरंकारी मिशन से जुड़े विषयों पर प्रवचन और भजन होगा। भक्तों के आगमन को लेकर स्टेशन से लाने की सुविधा के साथ साथ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। माता जी के आगमन को लेकर निरंकारी से जुड़े भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तैयारी, एक तो जो बाहर से लोग हैं उनको रिसीव करने का रिसेप्शन ठीक होना चाहिए, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वो सारा हम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स रहेंगे, स्टेशन से रिसीव करेंगे, वहाँ बस स्टैंड से रिसीव करेंगे, जो अपनी व्यवस्था पर आ रहे हैं उनको भी हम गाइड करेंगे स्टेशन से लेकर जो पूरी रोड पर। इधर आने के बाद में सारा टॉयलेट्स का, चाय का, कंटीन का, नाश्ते का, व्हाट यू कॉल दिस, लंगर वगैरह की सारी व्यवस्था है, सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था है। बैठने के लिए अंदर जो स्टेडियम के अंदर ही लगभग 200 फीट बाई 5 फुट का हमने एनक्लोजर बनाया हुआ, जो आधा कवर्ड होगा आधा नहीं होगा, ओपन होगा। एंड उसमें चारों साइड हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं और 2-3 हज़ार वॉलंटियर्स हमारा कंट्रोल करता है, हर तरह की फैसिलिटीज देखते हैं। और रात को जो कुछ रुकेंगे 2-3 हज़ार आदमी, उनके लिए हमने से व्यवस्था किया। कुछ तो हमारे इसके स्टेडियम के बहुत सारी एकोमोडेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमको दिया हुआ, प्लस हम ओपन में लगा करके सारी व्यवस्था करेंगे रुकना चाहेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को प्यार का, मिलवर्तन का, मिलजुल के रहने का मैसेज देना कि बेसिकली हम इंसान हैं, बाकी जाति पाति धर्म मजहब बात में बनते हैं, ईश्वर का अंश हैं हम सभी। और ईश्वर को जान करके अपने सभी में ईश्वर का रूप देखते हुए सबको इंसान समझते हुए बराबर के तरीके से मिलजुल के रहना, प्यार का संदेश, मिलजुल कर भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना का मैसेज देना। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, अमीर गरीब को लेकर कोई झगड़े नहीं हो, नफरत ईर्ष्या नहीं, ऐसे मैसेज बेस होगा इसका अध्यात्मिक ईश्वर अनुभूति। जानने जो हो गया जाना जा सकता है तो उसकी जानकारी देते हैं, बेस ये है। ये हमारा झारखंड से ताज आएंगे सारे, उसके बाद बंगाल से बहुत लोग हैं, अप टू कलकत्ता, कलकत्ता तक बंगाल से आएंगे, इधर से बिहार से जो भागलपुर, जमुई, बांका, ये इस एरिया से काफ़ी लोग हैं। ये 19 को लगभग 3 बजे के आसपास रांची से आएंगे। उनके आने पर वो स्टे करेंगे, 5 बजे आ जाएंगे स्टेज पर, जहाँ उनके सारा मंच बनेगा। 5 बजे के बाद उनकी प्राय उनके हजूरी में प्रोग्राम चलता रहेगा, गीत भजन स्पीचेस का। तो उसके लगभग 7:30 बजे आधे घंटा वो माता जी पे लास्ट में वो एड्रेस करते हैं। मैंने बताया ना, झारखंड से तो है ही मलूत, क्योंकि हजारीबाग रांची हो रहा है, हजारीबाग रांची वाला साइड छोड़ के बाकी पूरे झारखंड से आएंगे। उधर से ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट जो हमारे भागलपुर हैं, देन बांका है, साहिबगंज है, उधर से लोग आएंगे, और मैक्सिमम बंगाल से बहुत आएंगे, क्योंकि बंगाल में माता जी का प्रोग्राम नहीं है, तो इससे बंगाल वाले यहीं अटेंड करेंगे, काफ़ी लोग आएंगे। मेरा नाम हुआ GS मित्तर र, मैं वहाँ जिस एरिया का झारखंड का क्षेत्रीय प्रभारी, मेरे को सेवा मिला है जोनल इंचार्ज क्षेत्रीय प्रभारी।